पहले ना इट्स योर मेंटल मेकअप कि आपने डू यू रियली वांट टू डू दैट, है यू वांट टू बी लाइक दैट गाय, है तो मतलब हर बंदा कई दफा ना वो बचपन में आपने वो आइडियल्स बना लेता है, कुछ कर लेता है, है या वो आइडियल्स बनते हैं बाई वाइडर रीडिंग, बाई वाइडर ऑब्जर्वेशन, है अच्छा तो उनमें से देयर हैव टू बी सम ट्रिगर्स। 1970 तक पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज थी, हमारा जो हबीब बैंक था इट वॉज ए मल्टी नेशनल कंपनी, हमारा नेशनल बैंक वॉज ए मल्टी नेशनल कंपनी, यूबीएल वॉज ए नेशनल मल्टी नेशनल कंपनी, तो इसी सोसाइटी हैज ए बिग पार्ट टू प्ले इन दिस थिंग, कि दैट इज द बेस, कि जिसके अंदर आप अपना ही वो ना करें, है तो जो जिस बंदे ने जो जो काम किया हुआ है दे आर ऑल पाकिस्तानी, लुक एट दैम व्हाट दे हैव डन। हम सक्सेस स्टोरीज क्रिएट नहीं करते, नतीजा क्या है कि आपके बी स्कूल में आप मैकडोनल्ड की स्टोरी पढ़ा रहे होते हैं, प्रॉक्टर गैम्बल की पढ़ा रहे होते हैं, हाउ इज इट कि सेवर राइस की आपने नहीं अभी तक कोई स्टोरी बनाई, सेवर यही हमारे सामने सब जाके सेवर खाते हैं, ये बंदा पांच माते पड़ा हुआ था, एंड ही केम टू पाकिस्तान टू रावलपिंडी फ्रॉम ए विलेज इन फैसलाबाद। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहले जो बात है ना वो ये है कि वो जो जोश और वलवला है ना बीच में, जो पैशन है, हैं टू कि ये कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, हैं देखें ना आउट ऑफ नथिंग आपकी खाड़ी आई है और खाड़ी आया छा गया, एक्सलेंट, जो भी आप उसके प्रोसीजर सिस्टम देखे ना दे आर वर्ल्ड क्लास। मैं जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ जस्ट टू सी के हाउ, आप जब किसी प्लाजा में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो पाकिस्तानी ब्रांड्स आर डूइंग सो वेल एट दिस मोमेंट, और उसके अगेन जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं वो खाली पड़ी हैं दुकानें, हैं व्हाई डोंट वी ओपन टू दिस एंड सी दिस, हैं अगर हम उसको देखें तो फिर आप देखें कि जो है ना इट बिकम्स पैराडाइम चेंज, फिर हम कहते हैं यार ये खाड़ी का असर मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन हमारे नौजवान को तो हम खोल के दिखा ही नहीं रहे कि हो क्या रहा है ना। तो इसके आगे जो है ना फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर से जो पहली बात होती है ना, जो मैंने लोगों को देखा है सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दे हैव ए सर्टेन कन्विक्शन इन देमसेल्फ कि इफ आई कैन डू इट आई विल डू इट, नेवर माइंड क्या होता है। मैंने अपना जो बिजनेस था वो अपने हॉस्टल के कमरे से स्टार्ट किया व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर बीकॉम, और जिस दिन मैंने पर्चा किया ना नेक्स्ट डे आई कंटिन्यूड विद माय बिजनेस करियर। लेकिन जब मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने कहा ना कि आके डिग्री ले लो और कॉन्वोकेशन पर, तो मैंने उन्हें लिख दिया कि आप लेटर मुझे भेज दें डिग्री, और उन्होंने डिग्री भेजी नहीं और मैं लेने नहीं गया। तो मैंने कहा अगर ये मेरे यहां पे है ना नॉलेज तो आई विल लिव माई लाइफ। तो इसलिए ये जो है ना फियर एंड ऑल दे कैन गो बैक, होता फिर ये है कि आगे आती है बात तवक्कल की। अगर बंदे की लाइन सीधी हो ना और वो हलाल का रास्ता ना छोड़े, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये आम एक बात है जो भी आपने जिक्र नहीं किया है, वो लोग कहते हैं जी एवरीथिंग इज फेयर एंड बिजनेस, बिजनेस जो है ना दैट इज लिविंग लाइफ बाई द रूल्स, है इट इज नॉट कि हराम को हलाल के साथ मिक्स करके किया। जब आप वो करते हैं ना तो वो फिर लामहाला आपकी जो लाइन है ना वो अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के कानून के साथ जुड़ी रहती है। फिर अगर वो जुड़ी रहती है तो फिर आप मदद भी अल्लाह ताला से मांगते हैं, हाँ सलात हाजत भी अपने काम के लिए पढ़ते हैं, हाँ जैसे कि कोई कनेक्शन तलाश करने जाएगा या फलाना सरकारी ग्रेड 19 का जो है वो मेरे साथ वाकिफ कर रहा है, तो उसकी बजाय वो अल्लाह ताला की तरफ जाएगा बंदा, है ना। तो जो कारोबारी आदमी है अगर वो लाइन उसकी सीधी है, उसका तवक्कल तो जो आम जो दूसरा आदमी है उससे बहुत ऊंचा होगा, क्योंकि उसके पास तो देयर इज नो अदर वे टू गो।